अलहमदल रबीन वसलासलम सैदिल्बियाईलिन वसल सैदिना व मौलाना महम्मद वाला वसहाब ही वबारिक वसलम वसल दुनिया के तमाम देखने वालों को तमाम चाहने वालों को तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है जुनीत इकबाल की जानब से इंतहाई मोहब्बत के साथ असलकम एक बार फिर नाजरीन आपको सुबह नूर के साथ मैं दिल की अता गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ और आज ये बिला तो चलें हज़रतब उनस मोहम्मद बरकत अली रहम की तारीफ तरीफ़ असमान नबी करीम सल वसलम से रसोल सल्ह वसलम का किस मुबारक पढ़ने और सुनने की शादत हासिल करते हैं सैदुना अलमज़क्रू सल्ह वसलम हमारे सरदार नसीहत फरमाने वाले दरुद वसलाम विजयल्ला आपली वसलम पर आप सल्ह वसलम के आल पाक पर और साहबा कराम रजवानल तजमइन पर रसोल्ला सल्ला का शादा है कि किस मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं कि उसके बाद कोई उसके पास कोई काबिल वसीयत चीज हो और वो वसीयत लिखे बगैर दो रातें गुजार ले नाजरीन आज का प्रोग्राम मैं आपसे दस्त बस्ता गुजारिश करूंगा जहां जहां इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन के सामने मौजूद हैं ना आपने कहीं और नहीं जाना पूरे प्रोग्राम में आज आपने हमारे साथ जरूर रहना है इतना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और इतना इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है नाजरीन कि जब मैं इस मौजूक यानी वसीयत के आकाम व मसाइल के हवाले से तैयारी कर रहा था आप यकीन मानिए मैं अंगुश्ठ बदंदा रह गया यानी मेरे सामने एक एक बिल्कुल नई विंडो खुल गई कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप आप बहुत सी बहुत सी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं बहुत सी चीज़ें आपके जहन में होती हैं बहुत सी बातें जो आपकी निगाहों से गुजरती हैं लेकिन आप उसको सही तरह से फोकस नहीं कर रहे होते लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं और इन डेप्थ जाके पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है साहब कि इसके पीछे तो विंडोज़ दर विंडोज़ खुलती चली जा रही हैं और अल्लाह तबारक वाली ने एक बहुत बड़ा खैर का सामान इस मामले के अंदर रखा है जिस मौजू पर आज हम बात करें यानी वसीयत के आकाम व मसाइल के ऊपर आप जरा इज्यूम कीजिए बल्कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं दुनिया में सो जहां जहां आप मुझे देख रहे हैं, मैं एक रैंडम से सवाल आपके सामने रख देता हूं कि क्या आपने अपनी वसीयत कर ली है मेरा ख्याल है कि अगर मैं ये कहूं कि एक हज़ार लोगों में से शायद कोई एक कहेगा कि हां मैंने अपनी वसीयत कर ली है तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि उसने वसीयत क्या की बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने माल का एक तिहाई हिस्सा जो है उसके बारे में वसीयत कर दिया करते हैं साहब कि यह मिसाल के तौर पर मेरे जो क्लोज रिलेटिव हैं जिनकी विरासत नहीं बनती उनको जो है वो तकसीम कर दिया जाए उनकी मदद कर दी जाए क्योंकि वो बेचारे इस काबिल नहीं हैं कि वो खड़े हो सकें बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पोते पोतियों के बारे में वसीयत कर दिया करते हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी वसीयत सिर्फ इतनी होती है कि मेरा नमाज जनाजा जो है वो शख्स अदा करेगा और मेरी जो तदफीन होगी वह इस जगह पर होगी या बहुत अगर हुआ तो हम यह कह देते हैं साहब कि मेरे ऊपर फुला फुला जो है वो कर्जा है इस कर्जे को जो है वह मेरी औलादी उतार दे मेरा खाली ये मैक्मम लेवल हुआ करता है आपको पता है वसीयत के मामले में जब मैं पढ़ा था आप यकीन मानिए मैं तो हैरान हो गया कि अल्लाह तबारक तआला कितना करीम और कितना रहीम है कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें दुनिया और आखिरत सवारने के लिए ऐसे ऐसे टूल्स और ऐसे ऐसे रास्ते अता किए कि इंसान जब इस दुनिया से जा रहा होता है वैसे तो जाहिर है किसी को नहीं पता कि किस वक्त मौत आ जाए की डोरों का कुछ नहीं मालूम लिहाजा जाने से पहले अब जाने से पहले कब यानी इसका मतलब यह है कि अब यानी क्योंकि मालूम ही नहीं है ना कि साहब जाना कब है लिहाजा अब जब इंसान वसीयत लिखना शुरू करे तो जरा तस्वर करे कि वसीयत के अंदर जब इंसान अभी मैं उस मौजू की बात नहीं कर रहा कि जहां पर माली वसीयत की बात है मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक मौजू पर बात कर रहा हूं कि जिसमें इंसान अपने घर वालों को वसीयत कर कर जाए अपनी औलादों को वसीयत कर कर जाए और उनको यह तंबी कर कर जाए कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना अल्लाह वादह ला शरीक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेतहा इश्क करना अपनी जान अपने माल अपने

एरियाज क्या डूज के एरियाज उनका ख्याल रखना है लोगों के साथ किस तरह से मिलना जुना है, कितनी करनी है। लोगों पर शफकत लोगों से प्यार कितना करना है जिंदगी में अगर कोई तकलीफ आ जाए तो अल्लाह की शिकवा नहीं करना सब्रहुल चलना है पांच वक्त नमाजों की पाबंदी करनी है कर्न पाक की तिलावत करनी है रोजों का अहतमाम करना है अल्लाह तबारक से अपने गुनाहों की माफी मांगते रहनी है और अल्लाह तबारक से अपनी दीन दुनिया आखरत की भलाई के लिए हर वक्त ल्तजा करनी है यानी अगर आप इस अंदाज से वसीयत लिखना शुरू करें आप जरा लम्हे के लिए कि इस वक्त आप बैठे हैं और अगले लम्हे बस आपका कलम भी चलना शुरू हो जाए इस प्रोग्राम को देखते देखते और एक आप, वसीयत करें। और फिर उस साथ -साथ आप ये भी कहें कि मस्जिद कर दी जाए यहम खाना तामीर कर दिया जाए ये खैर का काम कर दिया जाए ये सदका जारिया कर दिया जाए तो आप सोचिए कि जब आप कब्र में जाएंगे तो अल्लाह तबारक कितने अनवार दाखिल करेगा आप जब हशर में खड़े किए जाए

में कि उसका वसीयतनामा लिखा हुआ उसके पास ना हो अब्दुल्ला तआला अब्दुल्लामर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह का इशारा सुनने के बाद एक दिन भी ऐसा ना गुजरा कि मेरा वसीयतनामा मेरे पास ना हो अपना वसीयतनामा अपने पास लिख के आज ही रख लीजिए आगाज़ करते हैं हमारे साथ इस वक्त तीन शख्सियात मौजूद हैं यकीन किसी तारुफ के मोताज नहीं पहली शख्सियत मुमताज़ आलिद्दीन जनाब मुफ्ती इरशाद हुसैन सैदी साहब तशरी फरमाए दूसरी शख्सियत मुमताज़ आलिद्दी जनाब डॉक्टर नईमुद्दीन अल अजरी साहब तशरी फरमाए और तीसरी शख्सियत मुमताज़ आलिदी जनाबा मोहम्मद अशफाक मदनी साहब तशरीफ़ तो फरमाए तीनों आबाद को असलम और खुश आमदेद बहुत ही इंटरेस्टिंग मौजूद है और बिलीव यू मी कि मैं तो मतलब आज मेरे लिए एक बड़ी एक नई विंडो खुली है कि मुझे लगता है कि हमें जो है वो अपनी सांसों का तो ज़ाहिर भरोसा ही नहीं लेकिन हमें किसी भी लम्हे को ज़ाये किए बगैर अपनी वसीयत को ज़रूर मेंटेन कर लेना चाहिए चाहे हम साहिब सरवत हैं या चाहे हम साब सरवत नहीं हैं लेकिन आप ज़रा ज़ाहिर बेहतर बताएंगे क्योंकि मैंने इब्तदाई में जो गुफ्तु की अगर उसमें कोई आपको सुखम भी महसूस होता है तो काइंडली ज़रूर मेरी तस्वीर फरमाइएगा वसीयत की जो शरयी हैसियत है कुरान और हदीस की रोशनी यहाँ से आगाज़ फ़रमाइए बहुत शुक्रिया जुनेद भाई आज का मौजू कई एतबार से बहुत अहम है एक इस एतबार से भी कि देखिए यूँ तो ऐसे लगता है कि हमारी सारी ज़िंदगी ही गफलतों का शिकार हो गई है मगर ये जो एरिया है वसीयत का इसके बारे में जब हम कुराने मजीद और अदीस मुबारक की तलीमत को पढ़ते हैं तो ये यूँ मासूस होता है कि ये तो हमारी ज़िंदगी में से यही नज़रअंदाज किया जाने वाला एक मौजू बन गया है सिवाय चंद गोशे रह गए हैं वसीयत के लफ्स की हद तक भी और चंद चीज़ों की वसीयत शायद हमारे यहाँ मरूफ रह गई है लेकिन ये जितना बड़ा सब्जेक्ट है और जितना बड़ा इसके अंदर जितनी वसअत है उस एतबार से अगर हम देखें तो हमारी अमली ज़िंदगी इसकी आइनादारी नहीं करती है तो अच्छा हुआ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से हमारे अपने लिए भी तस्कीर है और हमारे सुनने वालों के लिए भी तस्कीर है कि हम दीन की इन तलीमत के ऊपर गौर करें। देखिए वसीयत जो है सबसे पहली बात तो ये कि ख़ुद कुरान मजीद ने इसका तस्करा फरमाया आकलेसम ने अपनी अहादीसी मुबारक में कसरत के साथ इसका जिक्र फ़रमाया और हमारे आइम् अकाबरीन इसके ऊपर अमल करते चले आए हैं और उनकी कोतुब में उनके अकवाल में उनकी सवान के अंदर हमें इन चीज़ों का जिक्र मिलता है कि वो किस कदर एहतमाम के साथ वसीयत किया करते थे इबन कुदामा हम्बली वो फरमाते हैं कि इस पर उम्मत का अजमा है कि वसीयत करना मशरू है शरीयत के अंदर जायज़ है अब इसके जो दर्जे बंदी है वो फिर हसब हाल है वसीयत करने वाले के अतबार से भी इसका हुक्म बदलता है और जिन के लिए या जिस माल में वसीयत मकसूद है या जिन अफ़राद के लिए वसीयत मकसूद है उनके अतबार से भी इसके अहकाम बदलते हैं जिसका भी हम तस्करा करते हैं कुरान मजीद के अंदर सुरबर में अल्हबुल्जत ने इत फरमाया तो जब तुम में से किसी के ऊपर मौत आ जाए तो तुम्हारे ऊपर ये लिख दिया गया है अगर उसने माल छोड़ा है लिख दिया गया है उस पर कि वो वसीयत करे और वसीत वालदेन के लिए करे क़रीबी रिश्तेदारों के लिए करे मरूफ तरीक़े के साथ करे और उसके बाद फरमाया हकन ये साहिबान तकवा के ऊपर हक बनता है कि वो ऐसा करें तो अल्लाह तबारक व ताली ने इसमें हुक्म दिया अच्छा जो वसीयत व रसाँ के हक में है उसकी तफसीलात अभी हम जिक्र करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर तो जब तक व रसाँ के तफ़ीलीहकाम नाजिल नहीं हुए थे तो लिहाजा वसीयत करना बहुत अहम था क्योंकि फिर वो रसा के हिस्से भी वाज नहीं थे तो लिहाजा वो ऐसे ब्लाइंडली सब चीज़ों okay. को छोड़ कर जाना ये इस्लाम की उन हमतों के खिलाफ okay. था कि वो हमें लम्हा लम्हा अपनी जिंदगी की मनसूबाबंदी करने की तलकिन करता है। यानी ये विरासत के अहकाम के आने से पहले अरब माशरे के अंदर यह रिवाज था वरासत के, के मामला की वसीयत किया कर वसीत किया करते थे और कुरान इसकी ताक़द भी ठीक और फिर जब वरासत के अहकाम आ गए फिर भी ये हुक्म बाकी है अच्छा मगर ये कि वसाँ के लिए कहाँ कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी उसकी तफसीलात हैं उसका हम जिक्र करेंगे अच्छा दूसरा ये किन मजीद ने सुरा निसा के अंदर जहाँ वसाँ के हिस्से बयान फरमाए उसमें कमो पेश आप देखें तो मस मुकाम पर आया यूसी बेहा ये वसाँ के हक हैं ये ये बाद इसके कि जो उसने वसीयत की थी उसको पूरा करने के बाद तो इसका मतलब है कि वसा के, के हकूक का तस्करा हो जाने के बाद भी वसीयत का हुक्म उसी तरह कंटिन्यू है वो चल रहा है इसलिए पुराने कुरान मजीद उसे बयान कर रहा है दूसरे मुकाम पर फरमाया वसीयत तो सू ना बेहा बाद उस वसीयत की अदायगी के और पूरा करने के जो तुम करते हो फिर एक मुकाम पर फरमाया वियतिन यू औदैन हाँ बाद उस वसीयत के पूरा करने के जो की जाती है ओके तो इसका मतलब है कि वसीयत का तस्करा और फिर इसी आयत में आगे अल्लाह इज़्ज़त ने फरमाया वसीयत ये तुम्हें अल्लाह की तरफ से वसीयत अल्लाह अकबर कि तुम वसीयत करो और वह रसा के हक भी अदा करो और वसीयत को भी पूरा करो तो लिहाजा जब हम वसीयत के लफ्स को देखते हैं तो कुरान मजीद के अंदर हमें इस अहमियत के साथ और इस सिग्निफिकेंस के साथ इसका तस्करा मिलता है इसी तरह अहदीसी मुबारक में जिनमें से एक रिवायत आपने खुद बयान की अपने इंटर के अंदर आकल सलतुलाम ने ए, ये सिहाब किराम को फरमाया कि कोई शख्स भी इस हाल में ना रहे कि उसने अपनी वसीयत ना लिखी हो और अपनी वसीयत ना की हो अच्छा इसकी हमतों में से दो चीज़ें आज करना चाहिए पहली, पहली बात तो ये कि देखिए वसीयत से एक तो मौत की तस्कर वाबस्ता है वेरी गुड जो शख्स वसीयत करता है वसीयत लिखता है वसीयत की फिक्र में है या वसीयत की सोच विचार करता है इसका मतलब है उसने अपनी मौत को याद रखा हुआ है तो मौत की तस्कर का और वसीयत का हाँ। इसका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक यानी इसका मतलब यह है कि उसने अपना सामान बांधा हुआ है और वो आखिरत का बिलीवर भी है बिलीवर भी है आखिरत का बिलीवर भी उसे यह भी मौत किसी वक्त आ सकती है जरूरी नहीं कि मुझे उसकी पहले से मनसूबाबंदी करने का मौका मिले मौत किसी वक्त भी आ सकती है लिहाजा तो एक तो इसका तस्कर मौत और जिक्र मौत के साथ इसका ताल्लुक है दूसरा इसमें देखिए कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जो हमें लम्हे लम्हे की मनसूबाबंदी सिखाता है वेरी गुड और देखिए ये इस्लाम का ही होसन है कि जिंदगी का भी नज्म और मनसूबाबंदी सिखाया अमेजिंग मरने का भी सिखाया और Amazing. मरने के बाद का नज्म yeah. और मनसूबाबंदी भी सिखाया और ये उसकी करीमी भी है और ये इसमें और ये शान करीमी है आ, और ये इस व्यवहार से भी देखें कि यह भी इस्लाम का हौसन है कि इस्लाम किस कदर क्लैरिटी के साथ हमें जिंदगी गुजारने का हुक्म देता है कि वाजहियत के साथ रहो ब्लाइंडनेस के साथ न ऐसा ना हो कि तुम्हारी कुछ चीजें तय ना हो अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को यूं करो कि जो कुछ है कमाया है कमाया उसकी भी फिक्र है। खर्च करना है उसकी भी फिक्र है और फिर आपके मरने के बाद इसका क्या बनेगा उसकी फिक्र भी लाजिम है तो लिहाजा कुरान और हदीस की तालीमत ऐसी हैं इस गोशे को जिंदगी से किसी तौर पर भी नज़रअंदाज नहीं करना क्या कहना क्या कहना? बहुत ज़बरदस्त आपने इस वक्त जो है ना बड़ी एक रचाव के साथ एक पूरा ओवरव्यू दिया है और मेरा है इब्तदाई गुफगु जो है बड़ी कमाल इस एतबार हो गई अब जरा आइए हजूर वाला ये बताइए कि चूँकि ज़ाहिर इस इस मौजू में तनवू बहुत है और इसकी इसमें वसीयत में वेरिएशन बहुत हैं तो एक तो ये कि वसीयत किन किन अमूर की की जा सकती है पहला तो मेरा ख्याल सवाल ये बनता है और जो ज़ाहिर जो जो, जो शख्स चला गया या जो ख़ातून चली गई अब लवाकिन जो हैं उन पर वसीयत अमल करना जो उस परमल करना कितना ज़रूरी है ये ज़रा आप बताइए और एक जो बड़ी अहम तरीन बात है वो ये कि लेट्स सपोज़ मैं आज इस दुनिया से चला जाता हूँ या कोई मिस्टर एक्स या दुनिया से चला जाता है तो वरसा जो अगर उस पर अमल ना करें वसीयत के ऊपर तो क्या होगा यानी वसीयत को वो तब्दील कर दें या जो कुछ उसने लिखा है उसको फॉर ग्रांटेड ले लें क्या हुक्म उस पर आएगा जी बस्मिल रहीम जुनेैद साहब बहुत अहम <coughs> गुफ्तू जारी है जिसका फ़िक्र आख़रत से भी ताल्लुक़ है और जैसे अभी कहा गया कि जो शख्स वसीयत कर लेता है तो वो इसी तरह जैसे दुनिया से हाथ झाड़ चुका है और हर वक्त वो अपने सफर के लिए तैयार है बैकिज बैकिज लिया जी तो। मुझे वो अदीस पाक याद आती है कि सरकार दो आलम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी और दुनिया की मिसाल इस तरह है आबिर सबील और मुसाफिर की तरह जिसने एक दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम किया और फिर वो उठ के चल दिया और ये जो एक कंसेप्ट हुजूर ने फिक्र आखरत का दिया कि हर वक्त तैयार रहो मुस्तैद रहो अल्लाह की मुलाकात के लिए तो अब किन किन को वसीयत की जा सकती है अगर हम इसकी तरफ आए किस किस चीज की 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 जा किन -किन सकती है किन-किन उसमें दो चीज़ों का जिक्र किया कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक है आप माल की वसीयत करें या आप आमाल की वसीयत करें okay. माल और आमाल okay. अब माल में कौन कौन सी वसीयत हो सकती है तो उसमें पहली चीज यह है कि आप माल के अंदर हुकूक जो है मसलन आप एक शख्स जो है वो

और उस अमानत को वो सही तरीके से ना तो ये भी वसीयत है वाजबा में से है कि वो वसीयत करके जाए कि मेरे ऊपर ये अमानत थी और मैं ये अदा नहीं कर सका तो ये अदा की जाए ठीक है इसी तरह गैर वारिस ये भी जैसे अभी दो हमतों का इन्होंने जिक्र किया तो ये भी चीज़ है जिसकी वसीयत की जानी चाहिए और की जा सकती है कि एक आदमी को पता है कि मेरी विरासत में से फलां फल को हिस्सा आ जाएगा लेकिन मेरे ही रिश्तेदारों में से फला फलांह फलां शख्स भी हैं

जो विरासत का रकम बनती है हाँ। वो अल्लाह ताला ने मुआन की भी है, वो मुआइयन की उसमें तो आप तरमीम नहीं कर वो सकते तो हिस्से बने हुए हैं, जी, हाँ। उनमें उन आप किसी तरह की तरमीम नहीं कर सकते ओके, हाँ जी

उसके अंदर उसका हक है कि वो वसीयत करे इसी तरह एक ऐसी वसीयत है जिसमें माल का कोई जिक्र नहीं है वो जैसे okay. जैसे आपने इंट्रो में भी बड़ा खूबसूरत जिक्र किया और वो सबसे अफजल तरीन वसीयत है ah. और वो है अकायद की इसलाह की वसीयत और हजरत इब्राहिम के विशाल का वक्त आया और वो सारी चीजें वहां पर मौजूद है, है। बार बार हाँ, हाँ, हाँ। तो यह भी वसीयत की एक किस्म है जिसको यहाँ पे जिक्र किया गया अच्छा वरसा कीजिए उस पर अमल ना करें तब्दील कर बिल्कुल की आयत ही अर्ज कर देता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिल्कुल कैटेगोरिकली इरशाद फरमा दिया फमम बदलहु बादमा समेहु फइन्नमा इस्मुहु अललजीना युबदलूना इन्नल्लाहा समीउन अलीम फरमाया जिसने वसीयत का इल्म होते हुए उसमें कोई तब्दीली की उसको बदल दिया उसके अंदर तहरीफ की और वसीयत के ऊपर अमल ना किया तो फरमाया उसका वबाल उसकी जान पे होगा और उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह अल्ला ताला सुनने वाला है और जानने वाला है और एक और जगह आगे जाके अगली आयत में फरमाया फमन खा फूसन जाना फन अब रहीम ف... एक आदमी जो है उसको पता चल गया है।, है।, है तो अल्लाह तला ने फरमा वो इसला का अदा करते हुए। उसकी में उसे बताए कि ये तेरी जो वसीयत है यह शरीय के दायरे के मुताबिक नहीं है इसको ठीक इस कर लो दुरुस्त कर लो तो ये पूरे का पूरे आदाबी वो कुरान नजर वे ही है ना बेहतरीन के साथ अपना रबीत करते वक्त

लाहौर में इंतकाल कर जाता है या किसी और जगह पर इंतकाल कर जाता है और उसकी उस फर्ज कीजिए कि वो बायर्थ कराची का या फैसलाबाद का है या वो मुल्तान का है इस्लामाबाद का है वो कहता है जो मेरा तो मतलब जहाँ मैं पैदा हुआ मेरी मतलब तफफी वही होनी चाहिए तो उस सूरत में तो बड़ा इम्तहान आ जाएगा पहले तो जरा एक दो जुमलों में ये बात बताइए फिर बात आगे बढ़ाते हैं बिस्मिल्लर तदफ़ीन के हवाले से कोई भी शख्स वसीयत नहीं कर सकता ओके okay. अगर वो वसीयत कर भी ले तो वसा के ऊपर उस वसीयत को पूरा करना जरूरी नहीं है क्योंकि तदफीन के मामले में सुन्नत ये है कि जहाँ वो फौत हुआ है वहीं उसको दफना दिया जाए हमारे यहाँ बहुत सी जगह मुझे तो मेरी वालदा के खदमों में दफन करना मेरे वालद के खदमों <laughs> में दफन करना असल में जो तदफ्फीन है ये वसा के जिम्मे है और उन्हीं का हक है उनके लिए जो आसानी हो वो उसी को अपनाएं अब मिसाल के तौर पर एक शख्स ने यह वसीयत कर दी कि मुझे मेरी मां के कदमों में दफनाना और उसकी मौत मदीने में हुई है तो से उसको है? मदीने से है? मां के कदमों में कहा लाएंगे है? और इसी तरीके माँ की कबर के कदमों में कबरें बन चुकी हैं तो वहां कैसे दफनाएंगे इसी तरीके से उसकी जो है ना वो मैय वो दूसरे शहर में और माँ की जो कबर है वो दूसरे शहर में है तो इस तरीके से उसको सफर नहीं कर रहा सवाल क्यों उठाया जो अभी आपने बात फरमाई ना डॉक्टर साहब ने की जी अगर आप अमल नहीं करते तो आप गुनागार होंगे आपकी पकड़ होगी तो क्या इस मामले में पकड़ होगी अब जहाँ गुनागार होने का मामला है वो वाजिब वसीयत को पूरा ना करने पर गुना okay. अगर वो वसीयत ही मकरूह कर देता है तो उसको तो पूरा ही नहीं किया जाएगा okay. इसी तरीके से वो वसीयत मुस्तहब करता है तो मुस्तहब को पूरा करना ना करना जो है वो के ऊपर जो है ना इजाजत है, है मुबाह वसीयत करता है उस पर भी उसको इजाजत है कि वो उसको पूरा करे या ना करे okay. तो इसलिए पहले तो इल्म होना बहुत जरूरी है कि मुझे वसीयत के कुरान ने क्या अच्छा जरा ये बताइए जो बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन बनता है आप किसी सांस का पता नहीं मैंने तो अभी बात कही ना मैं तो सच्ची बात है आज इस प्रोग्राम को पढ़ने के बाद जो है मैंने तो अपनी वसीयत जो है लिखना शुरू कर देनी है साहब तो वसीयत कब की जाए एक ये, बात किसके सामने की जाए दूसरी बात किस तरह से की जाए तीसरी बात और किन शरात के साथ की जाए चौथी बात पहली बात की वसीयत कब की जाए अगर किसी ने वसीयत नहीं लिखी है तो उसको तो चाहिए कि वो अभी कागज कलम ले और लिखना शुरू कर दे हकीकत तो यही है क्योंकि मौत से पहले पहले वसीयत करने का हुक्म है तो तो मौत कब आनी है ये तो ना मुझे इल्म इल्म है ना आपको कुरान ने कहा कि फरिश्ता जो अजल का है वो एक लमह बराबर भी ताखीर नहीं करता है और ना ही जल्दी करता है जितना जल्दी हो सके वसीयत को लिखा हाँ अलबत् जब किसी के ऊपर नजा का आलम तारी हो कोई ऐसी मर्ज लाइक हो जाए कि डॉक्टर कह दें कि अब आपके लिए जो है ना वो बहुत अरसा कम रह गया है तो उसको तो चाहिए कि वो जरूरी तौर पर इस काम को सबसे पहले करें okay. लेकिन यहां एक बहुत बड़ी बात करना चाहता हूं कि वसीयत जो वाजिब भी थी सुन्नत भी थी मुस्तहब भी थी तो उसको तो उसको लिखा नहीं हाँ. मरने से पहले पटवारी और और वकील बुला लिए जाते हैं हाँ. बेटियों को विरासत से निकाल दिया जाता हाँ. है यह एक बहुत खतरनाक मामला है जो लोग करते हैं मर रहे होते हैं रूह निकलने के करीब होती है और या तो बेटे ये हरकत करते हैं या वालिद खुद ये हरकत करता है कि जल्दी जल्दी पटवारी

गबन कर दिया तो किसी भी वसीयत की सूरत में क्या वो विरासत के ऊपर इफेक्टेड होगी शरीर की अगर किसी ने वसीयत ऐसी कर दी उसमें अपनी औलाद को आग किया है या कहा है कि मैंने बेटियों को नहीं विरासत अपनी विरासत देनी बल्कि बेटों को देनी है तो वो वसीयत विरासत के ऊपर कभी भी ना कानून अमल उस पर किया जाएगा न शरा अमल किया जाएगा जो आकाम रब बयान कर चुका है अब उस उन आकाम को बंदा मुक्त नहीं कर सकता उसके अंदर रद्दोबदल नहीं कर सकता यानी जिसका हक है उसको मिलना ही मिलता है अलग बात है कि कोर्ट में वो एक अलग

कर सकते जी वो तो उन्होंने अपना हक दे दिया हक दे दिया उन्होंने अपना हक दे दिया। और हाँ। कोई भी शख्स अपना हक जो है वो सदका कर सकता है कर सकता है।, है इसी तरीके से जब वसीयत लिखी जा रही हो तो, इस बात का रखा इसकी तो नहीं रहती है की वसीयत कर दे हज फर्ज था हज नहीं कर सका उसकी वसीयत कर दे हाँ। ताकि हज बदल किया जा सके और फिर कोशिश की जाए कि वारिसों को शामिल ना किया जाए गैर वारिस की की जाए अल्लाह तबारकबा था हम सबको को इस सुन्नत पर अमल क्या अच्छी बात भाई बड़ा लुफफ आ रहा है नाजीन बड़ा लुत्फ और आप भी यकीन बहुत इस वक्त लुत्फ भी ले रहे होंगे और अगेन वही बात कि जो आ, मौत का बिलीवर है जो आखिरत में पेशी का बिलीवर है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिलीवर है वो तो वैसे कहाँ पेगा कि मैं तो फौरी तौर पर वसीयत लिखूँ और एक बात मैं अभी आ, सोच रहा था जैसे अलामा साहब फरमा रहे थे मतलब आप अगर मिसाल के तौर पर इस लम्हे मौजूद से आप अपनी वसीयत लिखना शुरू कर देते हैं तो इंसान की ज़िंदगी में डे बाई डे चेंजेज़ आती रहती हैं आप एक डेट लिखिए आज की डेट तक अपनी वसीयत जो है उसको मतलब लिख लीजिए और उसके बाद जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती रहे आप उसको अपडेट करते रहें वीकली बेसिस पर करते रहें आप फोर्ट नाइट बेसिस पे करते रहें मंथली बेसिस पर करते रहें रहे, अप टू यू लेकिन आप उसको अपडेट करते रहें आपके जहन में कोई ख्याल आता है आप उसको लिख लें डेट के अतबार तो से तो जब आप इस दुनिया से जिस वक्त भी जाएंगे ना वो एक अपडेटेड आपकी वसीयत होगी और वो ऐसी अपडेटेड वसीयत होगी जो इंशाल्लाह आपको यहां भी पे करेगी और वहां भी पे करेगी दुरूद पाक सरकार की बारगाह में उनकी आल की बारगाह में पेश कीजिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत से वाले देन जो है वो अपना हैबा कर देते हैं अपने बच्चों को यानी गिफ्ट वगैरह कर दिया करते हैं तो वसीयत में और हिबा करने में क्या फ़र्क है इवन जो वसा के लिए जो वसीयत की जा सकती है वो क्या हो सकती है यानी इस पर गुफगू करते हैं और बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं साहब के मामला कहाँ तक जाता है लेकिन आपने हमारे साथ जुड़े रहना है सरकार की बारगा में उनकी हाल की बारगा में दुरूत पाक पेश कीजिए जनाब एक बार फिर मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ और वक्फे के बाद जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है उनके जहन में रहे कि आज वसीयत के हकाम और मसाइल पर हम गुफ्तगु कर रहे हैं और इंतहाई इंतहाई अहम तरीन नाजरीन एतबार से प्रोग्राम है जिंदगी अनप्रडिक्टबल है ये सांसें अनप्रडिक्टबल हैं लेकिन ज़ाहिर है जिसको इस बात पर यकीन है और फर्म यकीन है कि मुझे मरना है आखिरत में पेश होना है उसे चाहिए कि वो बाहर तौर वसीत को फौरी तौर पर लिखे अच्छा अब आइए जरा मुफ्ती साहब जो आ, एक फ़र्क है वसीयत और एक आ, हिबा के दरमियान बहुत से पेरेंट देखे गए कि वो आ, अपने कलबी मैलान की वजह से या ज़रूरत की वजह से कि बच्चा अगर फर्ज कीजिए कि मतलब फाइनेशली स्टेबल नहीं है या वो इतना मतलब मजबूत नहीं है उसे गिफ्ट कर दिया करते हैं और उसको मतलब एक सपोर्ट कर दिया करते हैं तो वसीयत में और हिबा में क्या फ़र्क़ है एक तो ये बताइए दूसरी बात ये कि क्या वरसा के लिए ख़ास तौर पर वसीयत की जा सकती है ये भी ज़रा बताइए क्योंकि तकसीम तो जाहिर है मतलब शरीय के प्रपोशनली मतलब हो रहा है वो लेकिन क्या इजाफी तौर पर किसी को मतलब जो वारिस को जो, जो वो दिया जा सकता है और फिर अगेन वही बात कि वरसा के लिए वसीयत की फिर क्या अहमियत होगी ज़रा ये भी बताइए जी बहुत अहम सवाल हैं देखिए है जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वसीयत और हिबा में क्या फ़र्क है तो सादा सा फ़र्क तो यही है कि हिबा का ताल्लुक इंसान की अपनी ज़िंदगी से है ठीक है और वसीयत का ताल्लुक उन उमूर से है जो उसके फौत हो जाने के बाद नाफिजलमल होते हैं उन चीज़ों में नसीहत होती, होती है वसीयत होती है अच्छा ये बात लोग उसकी क्लैरिटी से महरूम होते हैं इस, है। इस वजह से कंफ्यूज रहते हैं हेबा यह है कि किसी आदमी ने अपनी जिंदगी के अंदर अपने माल में से जायदाद में से कोई शेय किसी को दे दी ओके अब दे दी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इनाउंस की ओके उसे दे देनी चाहिए अच्छा ताकि वो जिस जिसके लिए ऐलान कर रहा है जिसको दे रहा है जिसको हेबा कर रहा है उसकी मिल्कियत तो और उसका तसरफ कायम हो जाए उसके कब्जे में आ जाए उसकी ओनरशिप में आ जाए उसके तसरफ में आ जाए यानी अनाउंस करके दे अनाउंस हाँ, करने के बाद उसके हैंड ओवर भी, करें। भी कर दे। ओके ये नहीं है कि भी एलान कर रखा है हाँ। वो जो ऐलान है अगर उस ऐलान के साथ लिहाजा इसको डिफ्रेंशियट करना जरूरी है अच्छा कई चीजें ऐसी सुनने में आती है कि जी मेरे अब्बा हजूर ने ये कहा था ये तो तुम्हारा है अबूर ने कहा था लिहाजा ये उन्होंने कहा था ये तो तुम्हारा है अब ये मुझे मिलना चाहिए और

तो दे दे। और इसमें एक आपने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था आ, वो ये कि आपने फरमाया कि इसका मतलब ये है कि फिर उलमा से वास्ता रहना चाहिए आ, और हजरत ने उसमें एक बात की उसके अंदर के भी इल्म से भी वास्ता रहना चाहिए यानी एक तो ये बात जरूरी है कि हम ये जो जिन जिन मसाइल के अंदर कन्फ्यूज होते हैं उसका हल तो इम के अंदर है बिल्कुल अब ना हम खुद इम हासिल करें दीन का शरीय न इम वालों के पास जाए तो फिर साहबरे ऐसे झगड़े भी होंगे फिर वो इबाम भी होंगे

Okay. मसलन, मरने से पहले उसने देखा कि भी ये माल है वो किसी को वो रसामे से पसंद करता है किसी को पसंद नहीं करता hmm. और उसने कहा यह जो है ना ये मैं उठा के सारे का सारा फुला को देने लगा हूं ओके okay. अब जिंदगी में चूंकि उसे हेबा करने का हक, हक है, है।, है जब तक जिंदा है है अपने माल का मालिक है और अपने माल में तो शर्फ कर सकता है। लिहाजा चूंकि उसे ये राइट है अब इस राइट को वो एक्सरसाइज करने लगा है हाँ। इस पर अमल करने लगा है अब इसमें उसे चाहिए तकवा अल्लाह और उसके रसूल वसल्लम की है। अगर तो किसी बदनीयती की बुनियाद पर कर रहा है तो गलत है लिहाजा ऐसे में कुरान कहता है कि जो करीबी रिश्तेदार हैं वो अपना करें। उसको जाके समझाएं। समझाएं। तो बेशक आप कर सकते हैं आपको हक है लेकिन आप ऐसे इसके नतीजे में आपकी औलाद में नफरतें बढ़ेंगी रहा में नफरतें बढ़ेंगी झगड़े भी बढ़ेंगे हिबा करते वक्त क्या यह शर्त है कि सिर्फ औलादों को ही हिबा कर सकता है या बाहर किसी किसी को भी कर किसी को भी कर अच्छा इसमें जो वोरासा की बात है दूसरा सवाल भी इसी से मुंसलिक था कि क्या वोरासा के लिए वसीयत की जा सकती है उसी में यह हिबा की चीज भी आ जाएगी देखिए वसीयत जो है इसका नहीं वरासत उसका जो दारो मदार है वो कराबत के ऊपर है okay. अल अकरब फल अकरब जो ज्यादा करीबी होगा वो वारिस होगा okay. और वो हिस्सा पाएगा बसा अवकात ऐसा होता है कि जरूरत की बुनियाद पर उन तमाम की जिंदगी में बैलेंस नहीं होता तो नहीं होता एक ज्यादा जरूरतमंद है एक कम जरूरत मंद है या एक किसी फकर में गुरबत में और तंगी में मुबतला है दूसरा खुशहाल है।, है अगर ऐसे में कोई अपने में से किसी को बैलेंस करने के लिए वसीयत करता है तो उसकी वसीयत पर अमल होगा मगर एक तिहाई से ज्यादा नहीं हो सकता वरना तो आकलम ने हिजतल के मौका पर यह हदीस मुबारक है आकलम ने फरमा दिया था तिरजी शरीफ की रिवायत है फरमाया कि अल्लाह ताला ने अब शाह के हक मुकर कर दिए हैं लिहाजा उनके हक में अब वसीयत ना करें इल्ला यह कि जरूरत जहां देखेगा

शरीयत ने मना किया है ठीक है। जरूरतों बुनियाद पर मौजूद डॉक्टर अब एक सवाल जो के अमूमन लोग गलती कर जाया करते हैं मुशाह में बात होती है आ, मेरे अंदर का जो है वो आ, सखी जो है वो एकदम जागा और मैंने जी सोचा या, क्या करना है ये तो सब स्टैब्लिश हो चुके हैं भाई बच्चियां भी अपनी जगह अपने अपने घरों को पहुंच चुकी हैं चुकी हैं बच्चे भी अपना अपना कारोबार कर रहे हैं बेहतरीन जॉब्स के ऊपर मतलब मौजूद है लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं एक बड़ी बा, बा, लविश किस्म की लाइफ गुजार रहे हैं तो अब ये सारा माल जो है वो एक काम करते हैं मतलब अपना किसी इदारे को या किसी ऐसे शख्स को वसीयत कर देते हैं जो कि मतलब इसका फिर एक अच्छा उसको यूटिलाइज़ कर लेगा और इससे हमारी आखिरत को फ़ायदा हो जाएगा तो क्या इस सूरत पर जो है मतलब किया जा सकता है ये मामला ज़रा ये बताइए ये बहुत अहम सवाल है और इस पे पूरे एक मंजर नामा में मौजूद है और उसी में इसका जवाब है हैसना हाँ। में कि जब खुतबा हिजतल का मौका आया हाँ। और सरकार अलैहि वसल्लम उस हाज में जलवा फरमा थे और जो है वो एक लाख से जायद सक्राम थे तो हजरत साबन अभी वक़ास रजी अल्लाह तु वो भी वहाँ हज करने के लिए मदीना से वहाँ पे हाँ, बड़ा जबरदस्त है तो अब वो हजूर ये दुआ करते थे कि जिस चीज़ जिस जगह से हिजरत कर ली है ना वहाँ विसाल ना हो विसाल वहां पे हो जहाँ हिजरत हो चुकी तो हजरत साद बीमार हो गए हाँ। तो आप उनकी अयादत के लिए तशरीफ लाए उनके किराने आके बैठे तो देखा कि वो बड़े बीमार हैं तो उनसे पूछा कि हाँ, आपने क्या अपने वारिसों के लिए पीछे कोई उनके हकूक का ख्याल रखा तो हजरत साद बिन नबी वकास रजी मेरा जितना माल था मैंने वो सारे का सारा जो है वो अल्लाह की राह में देने का सारे था था सारा, सारा अच्छा, यहाँ तो नियत तो कुछ और ही है ना तो वो तो अपनी जगह अपने रब के साथ लेकिन हजूर सल्लाम ने पूरी उम्मत के लिए क्योंकि एक रोल मॉडल बनाना था उस चीज को तो आपने हजरत साजी अल्लाह से कि अपने वो रसा जो है

कि अगर सारे वसा इस बात पर राजी हैं और किसी को कोई इख्तलाफी नोट नहीं है नहीं वो, तो फिर वो उसकी उस वसीयत के मुताबिक अमल मुमकिन है अच्छा। लेकिन बहरहाल एरिया डिफाइन कर दिया गया कि इसके अंदर रहेगा तो यह ज्यादा उसके लिए बेहतर होगा अब अच्छा। यहाँ एक और चीज मैं अर्ज करूंगा कि कर्ज है मिसाल के तौर पर ठीक है अब मकरूज इतना ज्यादा हो गया है तो इसमें शरीयत ने एक तरतीब मुकर फरमाई और वो मुम्बाद वसीयत यूसी बिहा औदीन में हजरत मौला अली खुदा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया करते थे कि कुराने पाक में आयत में वसीयत का जिक्र पहले है कर्ज का जिक्र बाद में है ओके okay. लेकिन हजूर सल्लाम का हुक्म यह है कि कोई बंदा फौत हो जाए मर जाए अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाए तो सबसे पहले उसके माल में से उसका कर्ज अदा किया जाए अगर कर्ज इतना ज्यादा है कि उसकी अदा करने के बाद वसीयत को इंप्लीमेंट करने की गुंजाइश ही नहीं रही तो फिर वो वहीं पे मामला खत्म हो जाएगा वो वसीयत इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकेगी लेकिन अगर कर्ज अदा करने के बाद भी उसके माल में गुंजाइश बाकी है दूसरा नंबर वसीयत का होगा और फिर उसके बाद विरासत जो है वो तकसीम होगी यानी ये वो तरती हाँ जुनेद साहब में एक बनेगी वही बनेगी पहले आप जो है वो कर्ज अदा करेंगे जो माल बचेगा उसमें से फिर वसीयत अहकाम मतलब आते हैं उनका ओके, लेगा। अब इसमें एक बड़ी अहम बात मैं जब ये इसको पढ़ रहा था रात को तो मैंने एक किताब देखी वसा इन दजूर अच्छा और मैं ये चाहूंगा कि जितने सामईन ही है ये किताब जरूर अगर हो सके पढ़ लें जरूर है कि इब्ने जबर अर रबी एक बहुत पुराने एक बुजुर्ग गुजरे हैं सलफ साल में उन्होंने किताब लिखी कि जो उल स और सहाबा और अहल बैत के बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उन्होंने विसाल के वक्त क्या वसीयतें की हैं वो सारी वसीयतें किताब में जमा कर दी तो अभी बात हो रही नहीं था कि कैसे वसीयत लिखें वो ये किताब पढ़ लें और देखें कि हमारे बुजुर्गों ने कैसे वसीयतें की हैं फिर उससे आपको भी पता चलेगा और उसमें यह हदीस पाक लिखी है कि सरकारी वल् के सामने एक बंदे का जिक्र हुआ या रसूल उसका विशाल हो गया

और सुन्नत पर फौत हुआ और उसकी मौत तकवा और शहादत पर हुई और इस हालत में मरा कि उसकी मकफिरत हो गई ये सुनने इबन माजा की हदीस है मतलब आप सोचिए साहब के यानी वसीयत करने वाले का दर्जा के अल्लाह तबारक ने उसको मकाम दे दिया कि शहादत की मौत है यानी क्या और क्या करना क्या है भाई एक कलम लेना है एक कागज लेना है और उसके बाद बस आप लिखते हैं। जैसे आप मोबाइल फ़ोन है इस मोबाइल में आपके पास अमूमन जो है वो अपना एक नोटिफिकेशन आता है एप्लीकेशन का कि जी आप इसको अपडेट कर लें आप करते क्या हैं आप एक सर्टेन टाइम पर उसको क्लिक करते हैं जब आप फारग होते हैं रात के पैर में वो खुद ब खुद जो है वो पीछे से वो अपडेट हो रही होती है इसी तरह से आप जो एक वसीयत लिखें उसको आप वही बातें फोर्ट नाइट बेसिस पे मंथली बेसिस पे अपडेट करते रहिए साहब ताकि जब आप दुनिया से जाएँ तो इनशाला नीयत अगर हो किस अदीज़ पर अलम कर रहे हो और शादत का रूतबा मिलेगा इससे बड़ी और क्या बात है आप

हकीकत में तो जो आमाल की वसीयतें होती हैं वो नसीहतें होती हैं लेकिन इस्लाम उन नसीहतों को वसीयत के साथ ताबीर इसलिए करता है कि जिस तरह तुम्हें माल अजीज़ है इसी तरह अल्लाह की फरमा बरदारी भी अजीज़ होनी चाहिए इसी तरीके मालिक के साथ वफ़ादारी भी अजीज होनी चाहिए तो अम्बिया इक्राम अलीलाम ने अमूमन आमाल की वसीयतें फरमाई हैं क्योंकि अम्बिया कराम बहुत बड़ी तादाद जिन्होंने अपना सारा माल ही सदका कर दिया था बल्कि हजरत अमर बिन हारिस जो हैं, जो हजरतिया के भाई हैं उन्होंने इस बात को बयान किया कि रसूल सल्था। सल्था। ने अपना माल अपनी सवारियां अपने हथियार और अपनी तमाम चीजें सदका फरमा दी थी इसलिए हजूरअलाम ने जो वसीयतें फरमाय वह ज्यादातर अमाल से मुतल हैं जिस तरीके से आहले बैत फरमाते हैं रसूल जारी थे, बतौर वसीयत और बतौर नसीयत वो ये थे नमाज कभी नहीं छोड़ना और जो तुम्हारे मातहत है उनके हकूक का ख्याल रखना तुम्हारे नौकर हैं जो भी लोग तुम्हारे मतहत रह रहे हैं उनके हकूक का ख्याल जरूर रखना इसके अलावा हजरत जबल जो है वो कहते हैं कि मुझे हज़ूर पाक ने मुतद वसीयतें फरमाई नसीहतें फरमाई पहली जो अली हज़ूराम ने हस्त मुआज में जबल को वसीयत फरमाई थी वो ये थी कि, कि कभी भी शिरक ना करना अल्लाह रबालमीन की ज़ात में उसकी सिफात में किसी को शरीक ना करना अगरचे तुम्हें जला दिया जाए कत्ल कर दिया जाए राख हो जाए तुम्हारी जात उस वक्त भी तुम अल्लाह ताला के साथ वफा करना अल्लाह की मोहब्बत से वफा करना

उससे रब का जिम्मा उठ जाता Allah. है वो फिर रब ताला की राहमत के जिम्मे नहीं रहता चौथी बात हजूरतम तो तो ने बतौर वसीयत फरमाई शराब कभी ना पीना क्योंकि ये तमाम की जड़ है Allah. फिर हजूर सल वाली वसलम ने फरमाया रब की ना फरमानी हरगज ना करना क्योंकि ये अल्लाह को नाराज कर देती है फिर हजूरअलातलाम ने कहा ताल मैदान जंग से ना भागना चे लोग हलाक हो रहे हो उस वक्त वहां साबित कदमी से रहना फिर हजूर की जगह से ना निकलना आज वो साइंस भी तो तो ठहरे रहना ताकि वह आगे न, हो जाए और फिर हजूर अली अपनी तोफी के मुताबिक अपने खर्च करते रहना बुखल और कंजूसी न करना हजूर अलीम ने कहा अदब का डंडा अपने घर वालों से ना उठाना उनको अदब और तहजीब और घर का जो निजाम है उसको मजबूती से लेके चलते रहना और आखिर मेंजरत ने जो वसीयत फरमाई उसमें मामला में, में डराते रहना कि वह अल्लाह की नाफरमानी ना करें इसी तरीके अगर इमाम उल के बाद आप दीगर अंबिया को देखें तो उन्होंने कितनी खूबसूरत वसीयतें की हजरत के सामने उनके बेटे बैठे हुए थे आपने कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह के मामले में डराता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक किस मत करना और फिर हजरत याकूब अली सलाम ने अपनी औलाद से भी पूछा ऐ मेरे बेटो ऐ मेरे बच्चों ये चीज आज नाफिज होनी चाहिए हमारी जिंदगी पर सुमार। आपने क्या कहा मेरे बाद किसकी इबादत करोगे अल्लाह अकबर यह कभी अपनी औलाद को सामने बिठा के कहना चाहिए कि बेटा तुम्हारे बाप के पास जितना

यानी हड्डियां टूट जाए बदन कट जाए किसी भी हाल में रसूलुल्लाह से बगावत नहीं करनी नहीं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का दरबार नहीं छोड़ना क्या छोड़ा हजरत याकूब अली इस्लाम के बच्चों ने कितनी खूबसूरत आगे से जवाब दिया कहा कि अबू जान हम आपके और आपके दादा आपके परदादा जो उनको जिनको वो पूछते थे इबादत करते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम भी इबादत करेंगे और हजरत याकूब ने कहा यह बात हम सबको जान लेनी चाहिए कहा

इसको आप लिखते रहिए और अपडेट करते रहिए अपडेट करते रहिए और फिर आप देखिए इंशाल्लाह आपको एक कल भी सुकून भी मिलना शुरू हो जाएगा कि साहब ये जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है <laughs> ये इबरत की जहाँ तमाशा नहीं है आप किताब शफफ़ा सुकून कल्ब का वजीफा आपको बतलाते हैं कि जो शख्स हर नमाज यानी हर रोज़ नमाज फजर के बाद एक बार सूर्य इमरान पढ़ने का मामूल बनाता है तो उसे सुकून कल्ब नसीब होता है जहनी परेशानी दूर होती है और रिस्क में इंशाला बरकत होगी हज़रत इमाम हुसैन अल्लाम का कौल मुबारक है कि जो शख्स अपनी मौत में ताखिर चाहता हो और चाहता हो कि उसके रिस्क में इजाफा हो तो उसे चाहिए कि वह सिलामी करे रोजन टू न्यूज़ में आज जरूर पढ़िएगा वसीत के साहल के हवाले से एक्स पे हमें फॉलो कर लीजिए फेसबुक पेज को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए आइए जरा अपनी रोज से तजदीद है वफ़ा ला यमिनदम हत अकून अहब अलह में वाल ही वल्द ही व नाजमैन अल्लाह ताली आपका हमारा हम सब का पाकिस्तान का गजा के रहने वालों के लिए खासतौर पर यमियों के लिए खासतौर पर दुआ कीजिए दाम दिर में कदम सुखा ने जो जो शुक फ फ़लस्तियों की मदद कर रहा है सबके लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताली सब का हामी उन्ना से आमी पाकिस्तान का मतलब क्या मोहम्मद रसूल